मेरी कविता जिसका शीर्षक है पराई विभावरी, उसकी कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी, घोर रजनी से मन में शत्रुता निभा रही थी। रिक्शे वाले ने पूछा, दीदी चल रही हो? बैठो, कहाँ जाना है, क्यों अब तक खड़ी हो? समय देख लो, यदि हाथ में लगाया घड़ी हो, जमाने का तो पता है ना, दिखने में तो लगती लिखी पढ़ी हो। उसे क्या पता, मानवता से दूरियां बना रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। अधम से नहीं, मंतव्य से डर लग रहा था, भीति के समक्ष किला आश्वास का अब ढह रहा था। चित्त एक बात बिलक कर कह रहा था, न जाने क्यों तरुण पामर को अब तक सह रहा था। समाज की नीचता मुझे डरा रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। उम्मीद थी तमिस्त्र के पीछे घर हो मेरा, नजरें ढूंढती कहाँ है कुटी मेरी, किधर मेरा बसेरा। त्रास से मन कांपता है, आदित्य दूर कर दो अधेरा, रात इसे डर लग रहा है अब तो आचार्य सवेरा। धरित्री आज मुझको बचा रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। मन से पूछ रिक्शे पर बैठ गई मैं, विभीषिका के आतंक से सिकुड़कर ऐंठ गई मैं। निर्भीक होने का दिखावा कर रही हूँ, दुर्जन के खौफ से पग पग मर रही हूँ। सदन की चाह ले किसी अजनबी पर भरोसा जता रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। मुझे परिवार की तब याद आई, मैं चाह कर भी रो न पाई। निशा की खाई में मैं समाई, कोहरे के आगे देता नहीं कुछ भी दिखाई। मैं थी शांत, तमी विभोर हो चिल्ला रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। कुटुंब को देखने की हो रही थी इच्छा, साध्वस से मांगती हूँ अविचल हौसले की भिक्षा। तरड़ी कर लो आज मेरी समीक्षा, धरड़ी विश्वास की ले रही परीक्षा। बुद्धि दहशत के गरल में नहा रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। बेड़ियां अपनी जकड़ को कस रही हैं, हयात आजाद है या इस जाल में फंस रही है। अडिग पांव मही में धस रही है, मनुज के कष्ट पर यह दुनिया कितना हंस रही है। मग्न रैन मुझे सता रही थी, रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। है अचल लालसा अयन की, चक्षु हो गया तृप्त देख झलक भवन की। छलक गई अश्रु जो अब तक उर्मे दफन थी, यामिनी ने बुझा दी प्यास नयन की। लगता है सर्वरी मेरी जिंदगी लौटा रही थी, जो मुझे अपनों की खुशबू आ रही थी। किरणें मुझे घर का रास्ता दिखा रही थी, रात से दूर मैं अद्वितीय अपनापन पा रही थी। रात से दूर मैं अद्वितीय अपनापन पा रही थी। मेरी एक कविता है जिसको मैंने दुष्कर्म पे लिखा है, उसकी पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उज्जैन में जो केस हुआ था उस पे लिखा है। धन्यवाद सर। भय से कर रही वह याचना है, निकट आने से करती मना है। आत्मा चीखती बहती अश्रुधारा, हृदय नीचता के समक्ष हारा। बिनती कर रही आत्मा उसकी, पांव के नीचे से जमीन खिसकी। ऐसा कर्म हमने क्या किया है, जो पापियों ने पीछा किया है। बिना अपराध कहती माफ कर दो, मेरा दुर्भाग्य मेरे खिलाफ कर दो। पिया तुमने भी माँ का छी रही है, क्यों मन तुम्हारा हो रहा विचलित नहीं है। निहत्थे पर नहीं यूं वार करते, मानवता को क्यों तार तार करते। प्राणों पर तनिक दया दिखाओ, मेरे मन को नहीं शर्वरी का घर बनाओ। बिलखती है वह हीय की वेदना से, बेखबर होती जा रही है चेतना से। भयावह दृश्य क्यों मुझको दिखाते, तम कोठरी में क्यों खींच लाते। भीषण प्रहार से भाग्य को विपरीत मानूं, मैं किससे दया की भीख मांगूं। पातकी रोग खुद की दुष्टता को, त्याग दे इस क्षुद्रता को। भला किस जनक का सम्मान है तू, जननी की कोख का अपमान है तू, जननी की कोख का अपमान है तू। मुझे हे नाथ
मुझे हे नाथ अब तुम ही बचाओ, तिमिर में आस का दीपक जलाओ, इस अपराध को कैसे भी रोको, अथवा धरा को ही अग्नि में झोंको, जलाकर राख कर दो संसार सारा, अधम ने मानवता को अनेकों बार मारा, धरित्री का अस्तित्व ही अब नष्ट कर दो, नारी की प्रबलता स्पष्ट कर दो, नहीं हम वासना का हिस्सा बनेंगे, नहीं हम खून में लथपथ मिलेंगे, विध्वंस के चरम पर ही दुर्जन झुकेगा, धरा खुद ही जलेगी तो अधेरा क्या टिकेगा, धरा खुद ही जलेगी तो अधेरा। थैंक यू सर। न जग होगा न मलिन लाल होंगे, न नारी होगी न उसके काल होंगे, हवसी नेत्र मुझे डरा रहा है, पामरता का आकार बढ़ता जा रहा है, कुकर्मी वासना का वार सहना, घिनौनी चाह का शिकार बनना, इस अपराध पर भी मौन रहता, जग मनुष्यता का ढोंग करता, मैं उस क्षण चीखती कोई तो आए, जो इस भेड़िए को नोच खाए, मगर नारी ही नोची जा रही है, राक्षसी भूख उसको खा रही है, मरण से ही मेरा अब न्याय होगा, कितनी ललनाओं के साथ यह अन्याय होगा, कब तक ललनाओं के साथ। आभार।